नमस्कार, मैं काजल थुआ। आप देख रहे हैं एडवांस भारत न्यूज। आज गांव पेगा दादा खेड़ा में उद्यान विभाग जींद हरियाणा की तरफ से कैंप लगाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। कैंप की अध्यक्षता डॉक्टर विजय पानू जिला उद्यान अधिकारी ने की और किसानों को फल फ्रूट व सब्जियों और जैविक खेती के बारे में जागरूक किया और पहले से सब्जी और फूलों की खेती कर रहे किसानों की समस्याओं को सुना और समाधान बताया। डॉक्टर विनीत यादव और डॉक्टर असीम जांगड़ा ने भी फूलों की खेती और सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में, समय समय पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताया। फील्डमैन नरेश घनगोरिया, विनोद जसवीर सहायक के रूप में साथ रहे और मौके पर पूर्व सरपंच बलवान जय नारायण, राम मेहर पुनिया, सुमेर भिड़ान, रत्ना भिड़ान, पवन मिस्त्री, सोनू शर्मा, राजा राम कृष्ण आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। गांव के लोगों ने बड़े ध्यान से समझा और सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को सराहनीय कदम बताया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कृष्ण आर्य जी के साथ मैं काजल थुआ, एडवांस भारत न्यूज। ये पेगा गांव की ब्राह्मण मोहल्ला की गलियां हैं जहां भारी बारिश के कारण पानी ही पानी भरा खड़ा हुआ है। आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मकानों के बिल्कुल सारे रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं। मकानों के सामने आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ आपको पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये कटवाल रोड से लेके करीब करीब 3 किले तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिससे आने जाने में सभी मोहल्ला वासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही अपने दैनिक कार्य ठीक से आम जनता कर पा रही है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस जल की निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि आम जनता को होने वाली परेशानियों का सामना उसके। बच्चे तो हमारे स्कूल में जाने में परेशानी हो रही है। हमारा पानी की निकासी होनी चाहिए, परेशान हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकलने का। बस ठीक, ये पेगा गांव के ब्राह्मण मोहल्ला की तस्वीरें हैं जी। भारी बारिश के कारण कटवाल से जो रोड आता है और गांव पेगा में मेन गली जो ब्राह्मण मोहल्ला वाली है उसमें जलभराव हुआ। सरकार व प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि इस पानी की निकासी का कुछ समाधान किया जाए ताकि बच्चे स्कूल ठीक ढंग से स्कूल जा सकें और आम जनता को भी इस पानी की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं आने जाने में उनका भी समाधान हो सके और अपने दैनिक कार्य करने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सभी मकानों के सामने कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक पड़े, सारा को पानी ही पानी है। देखिए ये करीब करीब 3-4 किले पानी ही पानी है सभी मकानों के सामने, कोई रास्ता नहीं कहीं पर निकलने का।